देख रहे हैं TTN24, मैं प्रिया पांडे आपके साथ। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग देश को अपनी जागीर समझते हैं, ये लोग देश को लूटने में लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष में पीएम के चेहरे को लेकर सिर्फ टफल है, ये लोग 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे। इंडी जमानत CAA 370 को रद्द करना चाहती है, भ्रष्टाचार इनके संस्कारों में इतने गहरे तक बैठा है, ये देश को भी नोटों की गड्डी के रूप में दिख रहा है। राक्षसी ताकतें देश के विकास को रोक रही हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बना, बक्सर की धरती श्रीराम की भूमि है, मंदिर बनने पर पूरा देश उत्सव मना रहा। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से जय श्री राम के नारे लगवाए। चुनावी सभा में लोगों को भीड़ देखकर पीएम काफी उत्साहित दिखे। पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपका प्यार मुझे यहां खींच ले आया है। मैंने 10 साल तक अपने मोदी को जांचा है, परखा है। आपको मोदी का काम भी पता है, मोदी की नीयत भी पता है, लेकिन दूसरी ओर कौन है? लोग पूछते हैं कि इंडी जमात में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जनता को ये हक है ना जानने का? नहीं है भाई, हक है ना, लेकिन वो जवाब नहीं देते। वो जैसे ही कोई पूछता है भाई तुम्हारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन, तो वहां आपस में ही सिर फुटबल हो जाता है। और कांग्रेस देश को अपनी जागीर समझती है, उसे लगता है शाहजादे ही इकलौते वारिस है। लेकिन गठबंधन वाले कह रहे हैं 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनेंगे। जरा सोचिए, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, इतना बड़ा देश ऐसे चल सकता है क्या? बताइए ना, चल सकता है क्या? भ्रष्टाचार इनके संस्कारों में इतना गहरे तक बैठा है, ये देश को भी नोटों की गड्डी के रूप में देखते हैं। ये देश चलाने जा रहे हैं या बैंक लूटने जा रहे हैं, और जो लूट का माल आपस में बांट लेंगे। साथियों, एनडीए सरकार के पास ट्रैक रिकॉर्ड है, भविष्य का विजन है। हमने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर पीएम आवास दिए हैं। आप एनडीए को वोट देंगे, आप बीजेपी एनडीए को वोट देंगे, तो हम और 3 करोड़ गरीबों को घर देंगे। हमने गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिया है। आप एनडीए को वोट देंगे तो हम 70 वर्ष से अधिक के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देंगे। आप बीजेपी को वोट करेंगे तो हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से आपका बिजली बिल 0 कर देंगे। आप बीजेपी को वोट देंगे तो 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनेगी। आप बीजेपी को वोट देंगे तो आपको 5 साल तक मुफ्त राशन मिलेगा। आप बीजेपी को वोट देंगे, आतंकवाद और नक्सलवाद मुंह नहीं उठाएगा। ये हम बोलते हैं, ठीक है? ये लोग क्या बोलते हैं? एनडीए वाले क्या बोलते हैं? इंडी की जमानत क्या बोलती है? ये इंडी की जमानत क्या, जो जमात है वो क्या बोलती है? एनडीए वाले क्या बोलते हैं वो मैंने आपको बताया। अब मैं बताता हूं इंडी वाले क्या बोलते हैं। वो कहते हैं उन्हें वोट चाहिए। क्यों? वो सीएए को रद्द करना चाहते हैं। इन्हें वोट चाहिए, वो घुसपैठियों को फ्री एंट्री दिलाना चाहते हैं। इन्हें वोट चाहिए,
क्योंकि कश्मीर से 370 वापिस लाना चाहते हैं। इन्हें सीमा पर से बिहार और बक्सर के बेटों को खून बहाना है। साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले तुष्टीकरण के लिए अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें आपकी संपत्ति की एक्सरे जांच करवानी है, ये आपकी जीवन भर की कमाई को अपने वोट बैंक को, वोट जिहाद वालों को देना चाहते हैं। कांग्रेस कहती है देश की संपत्ति पर पहला हक मुस्लिमों का है। क्या बिहार इन देश विरोधी एजेंडे को वोट कर सकता है कभी? क्या ऐसे लोगों को वोट कर सकता है क्या? साथियों, मैं बक्सर की जनता को एक और षड्यंत्र से आगाह करने आया हूं। इंडी गठबंधन के सारे दल मिलकर एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। आप खुद देखिए, कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण रातों रात मुसलमानों को दे दिया। मैंने इस पर सवाल उठाया तो आरजेडी ने कहा कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही देना चाहिए। बंगाल में टीएमसी ने मुसलमानों की 77 जातियों को ओबीसी घोषित करके उन ओबीसी का हक मुस्लिमों और घुसपैठियों में बांट दिया। इतनी जमात वालों का इरादा है ये सरकार बनाएंगे और संविधान बदलकर मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। आप मुझे बताइए, बाबा साहब आंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था, फिर आज आप बाबा साहब की पीठ में छुरा क्यों भोंक रहे हो? आप एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण की लूट क्यों होने देंगे? इन्हें जवाब 1 जून को देना है। साथियों, बिहार ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। बिहार अब विकास के रास्ते से हटने वाला नहीं है। हमारे बिहार ने बहुत सालों तक जंगल राज का आतंक देखा है। इन लोगों ने बिहार की पीढ़ियां बर्बाद कर दी। कौन भूल सकता है, शाम तक बच्चा घर न आए तो मां परेशान हो जाती थी, कब किसके बच्चे का अपहरण हो जाए।